ट्वेल्व देखते हैं, यहाँ टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। लेट वाई इक्वल टू में यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स बाई में वन प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, हमें इसमें क्या करना होगा, साइन या कॉस पुट करना होगा ना। चलिए तो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू में साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ना। चलिए अब इसके बाद इसमें रखते हैं वाई इक्वल टू में टेन इनवर्स साइन थीटा बाई में वन प्लस का रूट अंडर वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। चलिए वाई इक्वल टू में टेन इनवर्स साइन थीटा बाई वन प्लस का ये कॉस थीटा ना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं वाई इक्वल टू में टेन इनवर्स साइन थीटा का टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। यहाँ वन प्लस कॉस थीटा का टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, टू से टू यहाँ पे कट जाएगा। वाई इक्वल टू में हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। तो वाई इक्वल टू में यहाँ पे क्या होगा, तो वो तो डिपेंड करता है इसके, देख लेते हैं थोड़ा सा जो कंडीशन दिया उसके ऊपर। दिया हुआ कि इफ एक्स जो है माइनस पाई बाई माइनस माइनस वन टू वन ना, माइनस वन टू वन लाई कर रहा है। तो अगर हम लोग एक्स की बात करें तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा लाई कर रहा है माइनस वन टू वन, यानी कि ये माइनस पाई बाई टू हो जाएगा और ये आपका पाई बाई टू, थीटा माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ टू से डिवाइड करना होगा ना जी, तो माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच लाई करेगा और ये बाहर टेन इनवर्स है। तो टेन इनवर्स के लिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जानते हैं ना जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स वाई इक्वल टू में यहाँ थीटा बाई टू हो जाएगा। तो अभी से आप लिख सकते हैं वाई इक्वल टू में वन बाई टू थीटा का वैल्यू, तो यही साइन इनवर्स एक्स था ना जी, थीटा का वैल्यू वही हमने यहाँ पे रख दिया है। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में वन बाई टू इंटू में वन बाई रूट अंडर वन माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में वन बाई टू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए, नेक्स्ट देखते।